वाराणसी की अदालत आज हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल किए ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वे के निर्देश देने वाली याचिका पर फैसला सुनाएगी। इस मामले में 14 जुलाई को सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है, जिसके बाद आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। बता दें कि इस साल मई के महीने में ये याचिका 5 महिलाओं के द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने पहले एक अन्य याचिका में मंदिर परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी स्थल पर प्रार्थना करने की अनुमति मांगी थी। मस्जिद परिसर में एक संरचना मिली है जिसे हिंदू पक्ष के लोगों ने शिवलिंग बताया है, तो वहीं दूसरे पक्ष ने फव्वारा होने का दावा किया था। देखिए, आज का फैसला जो आने वाला है ASI के संपूर्ण परिसर का परीक्षण कराने के लिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एक क्लिंचिंग एविडेंस के रूप में सामने आएगा, क्योंकि ये एकदम तथ्य है और एकदम सामने बात आ चुकी है। हालांकि कमीशन की चीज़ों को लेकर अभी भी माननीय न्यायालय के समक्ष चीज़ें लंबित हैं, लेकिन ASI का जो एविडेंस आएगा, क्योंकि रामलला का जो मुकदमा था, राम जन्मभूमि का जो मुकदमा था, उसमें भी ASI का जो एविडेंस था वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ था केस को डिसाइड करने में। तो इस स्थिति में जो है ASI का जो है ऑर्डर आना हमारे फेवर में चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि वो 2 से 2.5 के बीच में आ जाएगा। इससे पहले 6 जुलाई को ज्ञानवापी मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि वो हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करे, जिसमें ASI को पिछले साल एक वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।